समाजवादी लोहियावानी के नेता अमोल यादव व मोहित यादव ने गलवान में शहीद हुए भारत के 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उप जिलाधिकारी द्वारा रक्षा मंत्री के नाम अपने खून से लिखा हुआ पत्र से एक के बदले 10 सिर लेने की मांग की। बताते चले कि भारत चीन सीमा पर विवाद के बाद सरकार अब सपा बसपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों के निशाने पर है। समाजवादी लोहियावानी के नेता अमोल यादव ने सरकार को चीन के खिलाफ कठोर और मजबूत कूटनीति अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बांदा के सैकड़ों जवान वर्तमान समय में चीन सीमा पर तैनात हैं। लेह लद्दाख से लेकर नाथुला दर्रे नेपाल की सीमा पर बांदा की वीर सैनिक चट्टान की तरह डटे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलेगा एक जवान के बदले 50 चीनी सैनिकों की लाशें बिछी मिलेंगी। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ही नहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1998 में एनडीए की सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉस फर्नांडिस ने भी सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक करार दिया था। बृहस्पतिवार को हिंदुस्तान से चीन हमले पर बातचीत में जिला उपाध्यक्ष अमोल यादव ने बताया कि सपा हमेशा चीन की दोहरी नीति को पहचानते हुए सरकार को आगाह करती रही। सपा मुखिया मुलायम सिंह ने कई बार सदन में भी बताया है कि पाकिस्तान से बढ़कर चीन हमारा दुश्मन है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता उमेश यादव की खास रिपोर्ट।